Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video, I'm going to discuss with you 90-day study plan for RBI grade B. First of all, why 90 days? Phase 1 mein sirab 50 din pade hai. See, we have to look at it from a broader angle. Phase 1 mein 50 din pade hai, but after that you are getting a good amount of time between phase 1 and phase 2, that is another 40 days. So that's why we are discussing an integrated study plan for phase 1 and phase 2 for the next 90 days. अनदर थिंग दैट माइट बी वरिंग यू लिंगरिंग इन योर माइंड राइट ना इज दैट वॉट अबाउट लेस नंबर ऑफ वेकेंसीज तो सबसे पहले तो यहां पर कोई भी क्लीशेड स्टेटमेंट में नहीं दूंगा कि आपको तो एक ही सीट चाहिए मिल जाएगी या फिर अरे इस बार तो कम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि वैकेंसीज कम आई है तो कॉम्पिटिशन भी उतना ही कम हो जाएगा ऑल दैट इज बुलशेट द फैक्ट इज दैट दी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आई थिंक आर गोइंग टू रिमेन द सेम और अगर कम भी होते हैं

आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड एट दिस मोमेंट इज दाइंड माइंड सेट एक वरिंग माइंड सेट होता है मेरा नहीं होगा मैं कैसे कर सकता हूँ ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया अरे सीट्स तो कम हो गई है अरे भाई अगर आप डेढ़ लाख में से दो सौ में आने का दम रखते हैं देन वाई नॉट यू कैन इवन ट्राई टू कम इन दॉप सेवन एटी नाइनटी ऑफ दिस कंट्री तो ये एक वरिंग माइंड सेट है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है

अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे बीच में भी बहुत डिप इन वैकेंसीज आया था 2018 से 2021 तक ये वाला जहां पे वैकेंसी सेवन एट हंड्रेड के अराउंड ओवर कर रही थी उसके बाद फिर दोबारा से वैकेंसीज हेल्दी आने लगी ऐसी आरबीआई में अगर आप देखेंगे नॉर्मली अगर आप देखेंगे वैकेंसीज वन फिफ्टी की रेंज में आती रही है बट इट वॉज ओनली इन दी लास्ट थ्री ईयर दैट वैकेंसीज रियली पुस्ट टू एन लेवल और शायद इसी का रीजन है दैट दे हायर्ड इन सच लार्ज नंबर्स शायद अब इस साल वैकेंसी कम आई है क्या ये अगले बहुत साल बहुत सारे साल आने वाली है एज आई टोल्ड यू दिस इज जस्ट अ साइकिल इस साल आई है तो शायद एक साल और आ जाए बट देर वुड बी अ रिवर्सल वेरी सून ठीक है तो ज्यादा प्रियम्प्ट मत कीजिए कि अब यही ट्रेंड होगा ऐसा ही होगा ये हर साल होता है जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था तब भी लोगों ने बोला था अब तो ये बहुत मुश्किल हो गया अब नहीं होगा अब तो यूपीएससी वाले क्लियर करेंगे कर रहे हैं ना बैंक वाले क्लियर कर रहे हैं ना नॉन फाइनेंस वाले क्लियर तो सब पॉसिबल होता है It's all about mindset, believe me. Now, what's the plan? So, this is the study plan which I want you to follow. अब ये कोई मैजिक ड नहीं है दैट यू जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल बी अ सिलेक्शन ये अपने आप में देखने में आसान लग रहा है बट व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग आज तक क्वांट रीजनिंग भी नहीं देखा ना ही मेरा कोई कमर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है no. बड़ा, बड़ा नो अपनी में लिख लो दैट इज दूथ यू नीड टू एक्सेप्ट आप तो कुछ और भी बहुत बड़ा कर सकते हैं बट अगर आपका कोई बैकग्राउंड है आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की आरबीआई की, देन ओनली यू कैन फॉलो दिस प्लान में आई डिस्कस ऑल पहले एटलीस्ट पूरा फेज टू तो, तो नहीं कर पाओगे at least some part of phase one आप कर लो. तो बीस जुलाई से दस अगस्त तक वी आर प्लानिंग टू डू क्वांट जी एंड फाइनेंस देन इलेवेंथ August टू 22nd सेकेंड रीजनिंग जी एंड फाइनेंस अगेन जीए तो कॉन्टिन्यूसली आपका चलेगा ही ट्वेंटी थर्ड टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट इंग्लिश जी एंड स्टार्ट विद इन दी लास्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर इट वुड बी अबाउट रिविजन एंड मॉक टेस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन दिस प्लान ऑल दी एलिमेंट्स वन बाई वन तो सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट पीरियड है अराउंड थ्री वीक्स ये गोल्डन पीरियड है यू वुड हैव टू कवर मैक्सिमम कंटेंट ऑफ योर ड्यूरिंग दीज ट्वेंटी डेज फर्स्ट वी हैव टू डू क्वांट अब क्वांट क्या है देखिए क्वांट अगर आप बैंकिंग के परस्पेक्टिव से करेंगे इट वुड बी वेरी लेंदी फॉर यू बिकॉज देर आर लॉर्ड ऑफ चैप्टर्स बट द पॉइंट इज दैट इन आरबीआई इट्स नॉट लाइक मेरिट सेक्शन विच विल डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन इट इज पार्ट ऑफ फेज वन विच इज जस्ट क्वालिफाइंग इफ यू मैनेज टू क्लियर क्वांट कट ऑफ आई थिंक दैट्स गुड टू गो सो आपको ये समझना चाहिए कि क्वांट में अगर आप पेपर टफ आ रहा है और कट ऑफ देखेंगे तो साढ़े चार पांच इतनी कट ऑफ जा रहे हैं सो इफ वी गो बाय दी सेम ट्रेंड वॉट आई वुड वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इज दैट डू नॉट ट्राई टू डू ऑल दी चैप्टर्स यू डोंट हैव टाइम एंड इफ यू ट्राई टू डू सो यू विल जस्ट टच अपॉन दी बेस ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स विच विल एक्चुअली रिजल्ट इन अ जीरो मार्क्स इन योर एग्जाम बिकॉज एग्जाम इज एट अदर लेवल वॉट यू कैन डू इज आप कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स करो वॉट एवर well. पचास नहीं बीस नहीं सिर्फ दस चैप्टर्स कर लो बट वॉट एवर चैप्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से होंगे दैट यू हैव टू डिसाइड बट इन माई ओपिनियन इफ यू वॉन्ट अ जनरक ओपिनियन इट कैन बी टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन नंबर सीरीज क्वालिटिक इक्वेशउंड इंटरेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और इसके लिए ये बुक काफी अच्छी है अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है और सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा एंड इन दिस सेक्शनल क्वेश्चन टेस्ट इन टाइम लिमिट दैट यूड गेट इन द और अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया जाए जितने सेक्शनल टेस्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विल गेन एवरी एवरी टाइम यू डू सो अब बारी आती है जर्नल अवेयरनेस की ये जर्नल अवेयरनेस तो सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स आई वुड से फॉर योर एग्जाम वुड बी जून जुलाई एंड ऑगस्ट अभी जुलाई में पढ़ना शुरू करोगे अगस्त के करंट अफेयर्स आर नॉट अवेलेबल सो हमें कहा फोकस करना है जून एंड जुलाई ठीक है अब जर्नल अवेयरनेस में जून जुलाई बहुत अच्छे से करने हैं इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एंड डू नॉट ट्राई टू डू सम करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली फॉर फेज वन बहुत लोग ऐसा करते हैं सर फेज वन के आई डू नाउ फेज टू के आल डू लेटर देर इज नो सच थ्यूरी द करंट अफेयर्स हैज टू बी इंटीग्रेटेड फॉर फेज वन एंड फेज टू एंड अवॉइड दीज ब्लंडर्स वाई डूइंग योर करंट अफेयर्स reading for newspapers is not recommended now because it's a very lengthy process you read you filter you make notes not having enough time for that revise zarur kijiye if you are not able to read 100% of current affairs even 70% would suffice but revise it 2 3 times and please do not use sources of current affairs for other exams this is the biggest blunder i have seen people making

जीए शुड बी ऑन दी लास्ट प्रायोरिटी बिकॉज इट यूज टू बी इजी अर्ली नॉट नाउ और ये सिर्फ फेज वन में आएगी तो उसको एंड में करो रेदर फोकस ऑन थिंग्स विच विल हेल्प यू स्कोर इन बोथ फेज वन इन फेज टू जैसे स्कीम्स हो गया आरबीआई नोटिफिकेशन हो गया ई एस एंड फाइनंस करंट अफेयर हो गया रिपोर्ट हो गया डू दैम इन दी प्रायोरिटी विच आई है और करंट अफेयर में दिस थ्री स्लैच फाइव रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट try to do five months of current affairs which would be april may june july august will there be all the questions from these five months of current affairs the answer is no but majority of them would be the, would be from these five months of current affairs the value for your effort would be really high that you would be getting here as compared to even past months of current affairs बट अगर आपसे पांच महीने के भी नहीं हो रहे हैं दी लास्ट रिजॉर्ट विच इज इंडिस्पेंसेबल फॉर यू इज थ्री मंथस ऑफ करंट अफेयर्स इससे कम करके नहीं गुजारा चलेगा तो ये आप रूल समझ लो इसके आधार पर आप काफी टाइम बचा सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं व्हाट आर दोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स ये चार सोर्सेज है इफ यू वॉन्ट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन दोडिंग फ्रॉम न्यूज इज नॉट रिकमेंडेड एट दिस स्टेज बट इन केस यू स्टिल वॉन्ट टू परसिस्ट फॉलो हिंदू Limint RBI website for RBI notifications and PIB basically for schemes and ESI current affairs. So these four sources are sufficient for you to cover the entire set of current affairs which will be coming in your Phase one and Phase two exam. So that was about journal awareness. Now moving on to the finance strategy. What would be the strategy for finance? So if you see the finance paper, it is normally of 50 marks because another 50 marks is management. Out of that. You will get static 65%, current 35%. Static still has more weightage in finance. purchase mark ka objective marks purchase mark ka descriptive aayega. just going with some rough numbers, these are not exact. Out of this 25 marks, 70 to 18 marks would be static, and rest would be the current affairs. In the descriptive, it can either be one static question and other current or all the current-based questions.

दे आर नॉट आस्किंग न्यूमरिकल दीज डेज बट हां इनमें से न्यूमरिकल करने पड़ेंगे आ सकते हैं बट बहुत हैवी न्यूमरिकल्स मत कीजिएगा मैं इस पर बात करूं जो आपके करंट अफेयर है आठ मार्क्स के इसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज आरबीआई नोटिफिकेशन सेकंड थिंग दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इज यूनियन बजट बिकॉज दैट इज कमिंग वेरी नियर टू योर एग्जाम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देर इज एनी current affairs by sebi related to the capital markets or any regulation by ministry of finance that also becomes important so these three areas i think are the most important to counter these 8 marks in your exam now coming to the descriptive part starting messages are the aayega nahi agar to it can be either from these chapters which i have told you here or it can be from other chapters also which i have left here because they can at least are static from those chapters so please do not leave those chapters और अगर करंट की बात करूं तो करंट में जो स्टैटिक पोर्शन आएगा वो मेनली एडिटोरियल बेस्ड आता है व्हाट टॉपिक्स न्यूज़ उसमें से पूछ लेते हैं सो इफ यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स आई थिंक यू शेल बी एबल टू हैंडल डिस्क्रिप्टिव आंसर इन योर फाइनेंस पेपर उसके लिए अगर आपको और हेल्प चाहिए वी लेक्चर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने एक एक करके यहां पे कवर किए हैं बहुत सारे लेक्चर्स हैं यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम वन वन बाय और यू कैन एटलीस्ट फॉलो हिम लाइव इन दी अपकमिंग डेज एवरी मंडे एंड फ्राइडे बाकी फाइनेंस के लिए इफ यू आस्क मी आस्कर इज नो गुड सोर्स इन द मार्केट एज सच ये बुक तो बिल्कुल मत पढ़ना बहुत लेंदी है यू कैन फॉलो दीज बुक्स टू बुक्स आई हैव रिटन रिटर्न बट दीज आर नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बात करू So I told you RBI notifications are very important for your current affairs in finance. So please read RBI notifications from RBI website. For another news related to Ministry of Finance or SEBI, you can follow LimeMint and you can read editorials in Live Mint for your descriptive paper. And please do these five reports. They are very important. There can even be descriptive questions asked from these reports as it has been asked in the past multiple times. Union budget, annual report by RBI, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाई आई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बे आरबीआई करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बे आरबीआई दिस रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम ऑब्जेक्टिव बट ऑल्स फ्रॉम योर डिस्क्रिप्टिव एंगल ठीक है बाकी आंसर राइटिंग साथ साथ कीजिएगा आइदर यू कैन फॉलो जस्ट लेक्चर जो मैंने पे दिखाए एंड प्लीज डू सम आंसर राइटिंग ऑन दी स्टैटिक पार्ट डू नॉट लीव इट टिल एंड तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया ये सबसे डिफिकल्ट है वंस यू आर डन विद दिस इट्स वेरी इजी टू मूव आउट हेयर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आई टेल यू टू फॉलो दी सेम स्ट्रेटेजी ठीक है रीजनिंग में आपके थर्टी मार्क्स के पजल आएंगे थर्टी मार्क्स के अदर टॉपिक्स आएंगे आई सजेस्ट यू टू फॉलो अदर टॉपिक्स फर्स्ट बिकॉज पजल्स कैन बी रियली ट्रिकी इन योर एग्जाम यू माइट स्पेंड फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स ऑन वन पजल एंड यू माइट गेट जीरो मार्क्स सो पहले दूसरे टॉपिक कर लो ठीक है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया सिलोजिज्म एंड रिवर्स सिलोजिज्म हो गया इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग डायरेक्शन सेंस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट इजन कॉज एंड इफेक्ट वंस यू गेट होल्ड ऑन दीज टॉपिक्स यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इन एग्जाम ऑल्सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दीज टॉपिक्स क्वेश्चन और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए अगेन टू फाइन ट्यून योर स्ट्रेटेजी वॉट एवर आईव टोल्ड यू हेयर और ये बुक अच्छी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल बट फॉर रिसेंट पैटर्न क्वेश्चन प्लीज ज्वाइन सम क्वालिटी टेस्ट सीरीज बाकी जर्नल अवेयरनेस में मैं बता चुका हूं कैसे करना है सेम हैज टू बी फॉलोड ठीक है अप्रैल मे के इफ यू डोंट गेट टाइम यू कैन जस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग थ्रू बट जून जुलाई के कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं फाइनेंस का भी मैं आपको सारा बता ही चुका हूं नाउ मूविंग ऑन टू दिस इंग्लिश इंग्लिश में आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन डू रिवर्स इंजीनियरिंग बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट इज नो पॉइंट इन रीडिंग ग्रामर एंड ऑल यू डोट हैव टाइम फॉर दैट ठीक है तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दो देखो वट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू कम वट इज देंस एंड वीकनेसेज एंड दिस इज अड बुक ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाई एच पी बक्षी इसको आप फॉलो कर लो और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दो यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी है अप्रैल के आप कम प्रायरिटी पे ले सकते हो मे बी यू कैन रिवर्स इंजीनियर बट ऑगस्ट के बहुत अच्छे से करने एंड डू गिव थ्री मॉक टेस्ट हेयर ठीक है यहां से मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं और मॉक टेस्ट यहीं से शुरू करने हैं बिकॉज आई बिलीव देर इज नो पॉइंट इन गिविंग मॉक टेस्ट अनलेस एंडल यू कवर सेवेंटी परसेंट ऑफ योर सिलेबस ठीक है no और जब भी मॉक टेस्ट दो उनको अच्छे से एनालाइज करो की आर यू डूइंग एनी सिली मिस्टेक्स आर यू नॉट रीडिंग दी क्वेश्चन प्रॉपरली आर यू नॉट एबल टू फिल्टर आउट दी राइट सेट ऑफ क्वेश्चन वो एनालाइज करो वो ज्यादा जरूरी है ज्यादा पढ़ाई से कुछ नहीं होगा और मॉक टेस्ट के बीच में एटलीस्ट एक दिन का गैप रखो सेम डे तो दो मॉक्स देने ही नहीं है ज गिव इन एग्जाम लाइक एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि बीच में पॉज कर दिया आधा टेस्ट दे दिया आधा बाद में दे दिया नहीं बिकॉज यू एक्चुअली नीड टू मॉक दी एग्जाम लाइक एनवायरमेंट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट ठीक है बाकी यहाँ पे हम मेनली रिविजन करेंगे और सात मॉक टेस्ट और देंगे और रिविजन के लिए आई वुड से मैंने यहाँ पे रिविजन लिखा है बट रिवाइजिंग एट दी एंड इज एंड ऑफ यू एक्चुअली सो डू रिवाइज रेगुलरली यहाँ यहाँ पे भी रिवाइज करना एंड के लिए नहीं छोड़ना है

फ एम ए टारगेट स्कोर शुड बी सेवेंटी फाइव प्लस एटलीस्ट एंड टू गेट दैट यू हैव टू स्कोर फोर्टी फाइव इन मैनेजमेंट क्योंकि फाइनेंस में तीस पैंतीस नंबर ही आएंगे ठीक है और साथ साथ में आंसर राइटिंग जरूर कर लेना वेन यू डू मैनेजमेंट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन मैनेजमेंट इज टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड डू लॉर्ड ऑफ एमसीक्यूज बिकॉज इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट इट कैन बी कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स मैनेजमेंट की बुक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय एलम प्रसाद इज गुड ऑर्गनाइजनल बिहेवियर बायम प्रसाद दीज बोथ बुक्स आर बायम प्रसाद बट दे है आपको कंबाइन करके पढ़ना है एंड बिजनेस एथिक्स बाई कॉपरेट बिजनेस एथिक्स एंड कॉपरेट गस बाई बी एन घोष विच इज फॉर एथिक्स एंड कॉपरेट गस ऑफ योर मैनेजमेंट सिलेबस ठीक है बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से जस्ट लर्न दी रूल्स ऑफ राइटिंग एन एस एप्रेस एंड कॉम्प्रिंशन वॉच सम क्वालिटी वीडियोज वट एवर वीडियोज यू वॉच वॉच दम फाइव सिक्स टाइम्स एटलीस्ट ये बहुत जरूरी है

है वो एनरिच हो जाएगा बिकॉज आर आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ एनरिच्ड कॉन्टेंट तो इसको अगर आप कर लेना मतलब uh, है वो स्टैटिक बहुत कम आता है करंट बहुत ज्यादा आता है सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन करंट ज्यादा सिंह टाइप्स बुक्स पढ़ के फायदा नहीं होगा स्टैटिक में अगर कुछ करना है तो आई वुड से ये चैप्टर्स हैं इन्फ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव में देर कैन बी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ऑल्सो बट मेनली ऑब्जेक्टिव में तो यहीं से आते हैं और बाकी चैप्टर्स छोड़ना मत एज आई टोल्ड यू दे कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव करंट की बात करें ये वाला इसमें दो ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं रिपोर्ट्स uh, और स्कीम्स स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको अच्छे से कर लो ठीक है रिपोर्ट uh, की बात करें तो जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज हैं वहां से मैक्सिमम रिपोर्ट पूछते हैं जैसे कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ यूनेस्को एशियन डेवलपमेंट बैंक ओ नेशनल लेवल पे से बी आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नीति आयोग एक्सेट्रा सो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से करनी है डू नॉट रीड एंटायर रिपोर्ट जस्ट रीड समरी ऑफ दीज रिपोर्ट्स विच इज बिंग तो मनरेगा आ सकता है. और जो पढ़नी है, वो वही पढ़नी है जो पी आई बी और हिंदू में एग्जाम से सिक्स टू नाइन मंथ प्रायर टू यग्जाम लॉन्च हुई है या उनपे कुछ इवेंट अपडेट आया है तो वही स्कीम्स जो पीआईबी स्पेशली आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जाम में वही स्कीम्स पूछी जाती हैं जो पीआईबी में एग्जाम से छह महीने पहले न्यूज में रहती हैं तो वही स्कीम्स करनी है पीआईबी खुद से देखो या कोई कंपाइल्ड सोर्स यूज करो ठीक है बाकी ई स्टैटिक के लिए अगर बुक्स की बात करें तो रमेश सिंह और इकोनॉमिक्स uh, के लिए सोशल uh, इशूज के लिए राम हुजा की बुक है बट बोथ दीज अ वेरी बल्कि एंड देयर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड एंड टू एंड बिकॉज योर पेपर इज मेनली बेस्ड ऑन करंट अफेयर जस्ट रीड दैम फॉर सम हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग अगर ई एस आई करंट की सोर्सेस की बात करें तो स्कीम्स के लिए पी आई बी और रिपोर्ट के लिए हिंदू ये दो सोर्सेज से आपके सारे कवर हो जाएंगे इफ यू वॉन्ट टू रीड थ्रू न्यूज पेपर अदरवाइज यूज दाइल सोर्सेज ठीक है बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आई थिंक यहाँ पे यही है कि आप सबसे पहले तो डोंट वरी कि यार भाई आपको कोई बहुत दिक्कत आएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में uh, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर आप बहुत अच्छी फ्लावरी uh, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं दैट डजेंट मैटर आई थिंक वॉट इट मैटर्स इज दैट यू राइट इन अ प्लेन लैंग्वेज बट यू डू नॉट कमिट स्पेलिंग एरर्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक है तो आप एरर्स मत कीजिए टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कीजिए पेपर रुकना नहीं चाहिए

दो मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में ध्यान रहे कि मॉक मॉक टेस्ट give all three टेस्ट बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ ईएसआई का मॉक टेस्ट आज दे दिया एफएम का कल देंगे दैट इज ऑफ नो यूज बिकॉज इन रियल एग्जाम योर बॉडी विल टेंड टू नो बी वेरी फेटीड योर शोल्डर्स विल स्लाउच बैक विल पेन सो यू नीड टू गेट यूज टू दैट ठीक है और descriptive writing बहुत practice करनी है यहाँ पे बिकॉज ऑल ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड और

और पूरी मेंटोरशिप मिलेगी पूरी हैंड होल्डिंग मिलेगी आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे सो so ये सारे टीचर्स हैं वीडी सर क्वांट पढ़ाएंगे नरवीर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ाएंगे गुरकीरत सर एंड देवानशु सर विल टीच यू करंट अफेयर्स जलद सर विल टेक यू टीच यू एफएम कृतिका मैम विल टीच यू इकोनॉमिक्स जलद सर के साथ जस्करन सर भी आपको फाइनेंस में कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे ठीक है सो इसमें हमारा ओवरऑल यही है कि हम फेज़ वन से पहले पूरा फेज़ वन पढ़ लें और साथ में फाइनेंस पढ़ लें जैसा मैंने अभी आपको बताया है और आफ्टर फेज वन हम बाकी कॉम्पोनेंट कर ले आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड ऑल दैट ठीक है तो ये ये शेड्यूल है जैसा मैंने आपको प्लान अभी समझाया है वैसा ही ये शेड्यूल है थर्टी जुलाई से टेंथ अगस्त तक हम जी और क्वांट करेंगे साथ में फाइनेंस करेंगे ठीक है और आपके तीन स्लॉट्स होंगे साढ़े तीन से साढ़े पांच शाम को साढ़े छ से साढ़े आठ शाम को ये सुबह का स्लॉट है ग्यारह अगस्त से बाईस अगस्त हम जीए रीजनिंग और फाइनेंस करेंगे और ट्वेंटी थर्ड अगस्त टिल थर्ड सेप्टंबर हम जीए इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करेंगे ठीक है सो दैट्स इट आई टेक योर लीव थैंक यू इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस एट हेलो एट द रेट एड टाइप डॉट को डॉट इन ई मेल आस एंड कॉल अस एट दिस नंबर एंड वी आर ऑफरिंग आर बी आई सिक्सटी वन सिक्सटी वन परसेंट डिस्काउंट ठीक है एंड दिस इज द कूपन कोड ठीक है जी चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू हैव अ नाइस डे